आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में। ये टॉपिक जो है ये हम लोग दो बार पढ़ते हैं एक्चुअली। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हम लोग एक्चुअली दो बार पढ़ते हैं। एक बार तो आप समझ लो कि अभी पढ़ रहे हो, अभी बहुत बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ना होता है। अगली बार हम लोग इसको वापस से क्लास 12th में पढ़ेंगे, जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे। और जब जेनेटिक्स के साथ ही आएगा तो अपने पूरे फील और रूप के साथ आएगा, उस वक्त इसको झेलना थोड़ा आसान हो, इसके लिए अभी ही थोड़ा सा मेहनत कर लेना सही होता है। ठीक है, तो हम अभी ही आपको कुछ कुछ बता देंगे, बट आप अपने दिमाग में ये रखिए कि थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जला के रखना है। थोड़ा सा जीन लेवल पे बात करेंगे, थोड़ा सा डीएनए लेवल पे बात करेंगे, तो थोड़ा सा ओपन भी रहना है। ठीक है, चलो अगर हम बात करें आपसे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का, तो दो तीन तरीके से। मैं सबसे पहला तरीका है कि मेन डिवीजन कैसे होता है, बताओ मेन तरीके से डिवीजन कैसे होता है बैक्टीरिया में। सीलिया फिजन से, बाइनरी फिजन। बने टूटना हाँ, बाइनरी फिजन ये सबसे कॉमन है। ठीक है, सबसे कॉमन इज बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में या नॉन फेवरेबल कंडीशन में? फेवरेबल सर। फेवरेबल में। तो फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन बोलते हैं, है ना। फेवरेबल फेवरेबल वैसे होता क्या है सर, जिससे मतलब कुछ का मतलब ये कि सारा कंडीशन तुम्हारे हिसाब से हो, जो तुम चाहते हो वैसा हो। फेवरेबल सर, मतलब वो तो कोई भी कंडीशन में सर फिजन कर सकता है। एक्चुअली कोई भी ऑर्गेनिज्म फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और नॉन फेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर कंडीशन फेवरेबल है तब तो आप आराम से रिप्रोड्यूस कर रहे, समझ में आता है। ठीक है, और अगर कंडीशन नॉन फेवरेबल है तब आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों? तो जवाब ये है कि हम सब लोग जानते हैं, सब लोग 10th में पढ़े हैं कि जैसे ही कंडीशन चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म मरना शुरू हो जाता है, और उस वक्त उसके पास बचने का सिर्फ एक ही उपाय होता है कि किसी तरीके से वो चेंज करे। अगर वो चेंज कर गया, अलग कंडीशन में अडेप्ट कर गया, तो वो बच जाएगा, जिंदा रहेगा। तो यहाँ पे ये होता है ना एक्चुअली कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से म्यूटेशन होता है, वेरिएशन। आप लोग ने 10th में पढ़ा है, वेरिएशन पढ़ा है ना। वेरिएशन चेंजेस मतलब सर जो आरएनए का रहता है। कुछ अलग, कुछ अलग, कुछ चेंज। और अभी अगर कुछ चेंज हुआ तो हो सकता है, चांसेस आर देयर कि भले ही हम जिंदा रह पाए ना पाए, लेकिन अगर मेरा जो ऑफस्प्रिंग है वो थोड़ा सा चेंज है तो वो नए कंडीशंस में भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेरिएशन। तो फटाफट से पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। फर्स्ट पॉइंट इज मेनली डिवाइड्स बाय फिजन। बैक्टीरिया में मेनली रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फिजन से। ठीक है, और अभी अभी हम लोग बात किए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब हो रहा होता है, फेवरेबल कंडीशन में या नॉन फेवरेबल कंडीशन में? फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशंस में होता है। अच्छा, एक और तरीका याद रखो, अगर कंडीशंस नॉन फेवरेबल रहेंगे किसी बैक्टीरिया के तो इट विल आल्सो फॉर्म स्पोर। तो ये भी लिख लीजिए, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म स्पोर्स। अभी स्पोर क्या होता है, देखो कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि देखो एक तरह का स्पेशल सेल, तो उसको बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल। शायद तुम लोगों को कभी बताए हो, 10th में तो क्रैश कोर्स में बताए होंगे ना, जो लोग 10th पढ़े हैं। नहीं नहीं बताए?
तो अभी जान लो, टोटिपोटेंट सेल ऐसे सेल को बोलते हैं, अ सेल, बताए तो होंगे हमको याद आ रहा है, विच हैज एबिलिटी टू फॉर्म होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर किसी सेल के पास ऐसा एबिलिटी है कि वो पूरा पूरा बॉडी डेवलप कर सके, देन दैट टाइप ऑफ सेल इज नोन एज टोटिपोटेंट सेल। फॉर एग्जांपल हमारे में कौन सा सेल टोटिपोटेंट होता है जरा बताना कोई। अगर हम अपने लिए बात करें ह्यूमंस में तो क्या, जाइगोट। खुद सोचो ना, एक मेल गैमेट मिला, एक फीमेल गैमेट मिला, और दोनों के मिलने से एक वन सेल्ड जाइगोट बना। वन सेल्ड जाइगोट फॉर्म्स द होल बॉडी, मींस कि दिस जाइगोट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म द होल बॉडी। ओके, अच्छा ऐसा ही और सेल्स हमारे प्लेसेंटा में भी होता है। प्लेसेंटा आप सब लोग टेंथ में पढ़े तो जानते हैं, व्हाट इज प्लेसेंटा बताओ, कोई बताओ विभूति बताओ। प्लासेंटा बेबी को ज्वाइन रखते अपने से अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू। हाँ, ऑलमोस्ट 80% सही है। प्लासेंटा एक ऐसा टिश्यू है जो मदर साइड से होता है और फीटस को मदर से जोड़ता है, फीटस के बॉडी को मदर के बॉडी से जोड़ता है, और ताकि सारा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सके, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट, सारा कुछ उसी के थ्रू होता है। ओके, तो हमारे प्लासेंटा में भी ना कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो टोटिपोटेंट सेल होते हैं, ऑल्सो इन प्लासेंटा, और इन सेल्स को ना हम लोग बोलते हैं तो मैंने बताया था कि ये सेल में एबिलिटी, अगर ये सेल आपने स्टोर करा कर रखा है अपना, तो बाद में अगर कभी कोई डेडली डिजीज हुआ तो उसको क्योर करने में बहुत हेल्प करता है ना। कोई ऑर्गेन आपके बॉडी का फेल कर गया तो ये सेल से हम लोग उस ऑर्गेन को रीजनरेट करा सकते हैं, याद आ रहा बताए थे। यस सर, यस अभी याद आया। ठीक, चलो फाइनली याद तो आया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो स्टेम सेल है ना सर, प्लेसेंटा। स्टेम सेल, स्टेम। तो ये जो स्पोर है ना, ये एक्चुअली में कुछ रेसिस्टेंट सेल्स का कवरिंग होता है, ये कुछ हाईली रेसिस्टेंट सेल्स होते हैं। हाईली रेसिस्टेंट सेल्स, और इन हाईली रेसिस्टेंट सेल के कवरिंग के अंदर में कुछ क्या होता है, टोटिपोटेंट सेल्स होता है। अभी क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में आपने अपने आप पूरे बॉडी को एक बहुत छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट करा और उसको एक हाईली रेसिस्टेंट सेल से कवर कर दिया। तो नॉर्मली तो बिना ये पानी के, बिना खाना के बहुत समय तक हवा में तैरता रहेगा, जस्ट फ्लोट पैसिवली इन द एयर, बट व्हेन फेवरेबल कंडीशन अराइव्स, व्हेन फेवरेबल कंडीशन अराइव्स, जब भी ऐसा होता है तो ये जो है वापस से अगेन रीग्रोज टू फॉर्म होल बॉडी। समझ में आया स्पोर कैसे काम करता है, बोलो। आया समझ में? नहीं आया। वो जो सर रेड कलर का जो सर टोटिपोटेंट सेल है सर, वो मैं दोबारा नहीं आया सर, एक और बार बता दीजिए। कहाँ दिक्कत हुआ ये बताओ। उसको जो आप बताए ना, फेवरेबल कंडीशन और हाईली रेजिस्टेंट सेल और टोटिपोटेंट सेल,
एक काम करते हैं, 2 मिनट इसको इसको ऐसे ही रहने दो, 2 मिनट दो लाइन और लिखते हैं और फिर इसको डिटेल में लिख के समझते हैं। अभी अब पहला हेडिंग बनाइए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब तो पता ही, इतने बुद्ध तो आप नहीं है। इस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट सब हेडिंग बनाइए बाइनरी फिजन। आएंगे हम लोग यहाँ पे भी दोबारा से इस टॉपिक के बाद, बाइनरी फिजन के जस्ट बाद आएंगे। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन आप सबको पता ही क्या होता है, कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये भी लिख लीजिए, जरा पानी दीजिएगा। कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखो, सबसे कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यही है। कब होता है फेवरेबल कंडीशन में, ये हम आपको पहले लिखवा चुके, ठीक है। ये कहां होता है, तो अकर्स इन मेजोजोम। आई गेस इस मेजोजोम से सब लोग कंफर्टेबल है ना, कि किसी को नया भी मिला। इस मेजोजोम से सब लोग कंफर्टेबल है ना। मेजोजोम में, इस मेजोजोम से कंफर्टेबल हो ना, जानते हो ना मेजोजोम क्या होता है, लिख ही देता हूं यार, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर भी दिक्कत आ रहा है थोड़ा भी, तो एक बार सेल वाला लेक्चर वापस से देख लीजिए, सेल वाले लेक्चर में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो चलिए इतना बात हो गया, तो अब अच्छा मेजोजोम में होता है क्या, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन यही होता है। एक एम्स का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन याद आ रहा है, न्यूमेरिकल लेकर होगे सॉल्व, बोलो बोलोगे तो ही देंगे तो छोड़ देंगे। अफीफा है या नहीं, अफीफा माइक ऑन करो। हाँ सर। सॉल्व करना है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, माइक ऑन करना है। लॉजिक है मतलब, यहाँ टफ कुछ नहीं, बस लॉजिक, तुम्हारा कॉमन सेंस यहाँ दिमाग लगाना है बस। बैक्टीरिया डिवाइड्स पर मिनट, बैक्टीरिया डिवाइड्स पर मिनट, कोई बैक्टीरिया जो हर मिनट में डिवाइड करके खुद को डबल कर लेता है, टू डबल इट्स नंबर, ठीक है। इफ इट टेक्स 1 आवर टू फिल अ कप, देन इन व्हाट टाइम हाफ ऑफ द कप वॉज फिल्ड। 30 मिनट्स। ठीक, क्वेश्चन समझ गई थी ना, कि तुक्का मार दे। समझ गए। अच्छा, और कोई और आंसर बोलना चाहेगा, और कोई कुछ और आंसर बोलेगा, बोलो। अभी सबके लिए ओपन है, उसका हो गया, बाकी लोग 59 मिनट्स। अच्छा, किसी और को भी लगता है इसमें, या कुछ और कॉन्ट्राडिक्शन भी है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। चलिए, करेक्ट आंसर इज चलो अफीफा फिर से माइक ऑन कर लो। हाँ सर। ये कोई कप है और ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 घंटे के बाद, पहले इसमें एक बैक्टीरिया छोड़े थे, 1 मिनट के बाद कितना हो गया ये बैक्टीरिया, दो मिनट, उसके अगले मिनट बाद, फिर अगले मिनट बाद,
ठीक है, अभी उल्टा सोचते हैं, एक घंटा पहले, एक घंटा मतलब एक घंटा में ये पूरा फुल था, 1 आवर टाइम पे ये एकदम फुल था, मतलब ये कि जस्ट एक मिनट पहले इसका नंबर कितना होगा? हाफ। हाफ मतलब अगर आप पूछ रहे हो कि इफ इट टेक्स 1 आवर टू फिल द कप, व्हाट टाइम हाफ ऑफ द कप वाज फिल्ड, तो मतलब जस्ट एक मिनट बाद ही वो आधा भरा हुआ होगा, एक मिनट पहले मेरा मतलब है। हाँ। तो मतलब कि 59 मिनट में इतना भराया होगा, और जस्ट एक मिनट, अगले एक मिनट में क्या हुआ कि जो आधा बैक्टीरिया है सब का सब खुद को डबल करा, और डबल करने के बाद आधा से सीधा कप फुल हो गया। ये आंसर समझ में आया 59 मिनट कैसे होगा? हाँ। ठीक, चलो ये एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया, बोलो कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, किसी को भी कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं सर, ठीक है, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बढ़िया था। अब हम इसको थोड़ा एक ट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि भाई एक बैक्टीरिया है, देखो एक और क्वेश्चन इस तरह से होता है, ये नीट में भी पूछ सकता है, एक और तरीके का क्वेश्चन, ये हम अपने से फ्रेम कर रहे हैं, कभी पूछा नहीं है सर, पूछ सकता है। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया डबल्स इट्स पॉपुलेशन इन 40 मिनट, ठीक है, देन बैक्टीरिया डबल्स इट्स पॉपुलेशन इन 40 मिनट, देन इन व्हाट टाइम इट्स पॉपुलेशन इज टाइम्स, जरा बताइए। तो बड़ा सिंपल है, बताओ कोई, तो बड़ा सिंपल है, सॉल्व कर दो, बोलो बोलो तो सॉल्व कर देता हूं। और कोई? अरे ओ वाओ, फाइनली आज मैच शुरू हो गया। हाँ तो बताओ कोई, अमन हिलोल रहा है, बोलो। जल्दी जल्दी करो, एक घंटा का टाइम शुरू हो गया अभी, जल्दी तो दूसरा ढूंढ नहीं है ये, तो कैसे इसका क्या करें इसको?
देखो किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ, देखो कोई पॉपुलेशन है जैसे मान लो एक्स, ये एक्स है, अभी ये एक्स का पॉपुलेशन 40 मिनट्स के बाद क्या हुआ होगा, 2x, अगले 40 मिनट्स के बाद क्या हुआ होगा, 4x, अगले 40 मिनट के बाद 8x, ऐसे करके बढ़ता गया होगा। जरा सोचो तो कितना बार, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64, यहां पे वो 64x हुआ, कितना बार लगा देखो, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 40 मिनट इंटू 6 टाइम, तो कितना हुआ, 240 मिनट हुआ, इसको 6 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत है, बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलो जल्दी जल्दी यार, तुम लोग एकदम शांति से बैठे हो, जल्दी बोलो। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो अभी मान लो हम 64 जनरेशन दिए तब तुम आराम से कर लिए, अगर हम और बड़ा सा नंबर बोलते तब, अभी तो मान लो 6 बार में हो गया तो ठीक है, बहुत बड़ा बोलते तो क्या करते। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक होता है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन, बैक्टीरियल पॉपुलेशन इज इक्वल टू, या हाँ ऐसे कर लो, 2 का पावर n होता है। बैक्टीरियल पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर n, इसमें n क्या है, व्हाट इज n, नंबर ऑफ जेनरेशंस, लिखो जल्दी। हो गया भैया, इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन बनाइए ना। अच्छा अभी अभी कर देते हैं, वो भी ठीक है, लिखिए पहले सब लोग जल्दी से लिख लो एक बार पहले, उसके बाद बोलो हमको। बात
चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े यस सर। चलो अब नहीं भी बोलते फिर भी बढ़ते, अब तुम लोग झक मार रहे हो तो हम क्या करें, आगे बढ़ो। अभी क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन को कर दें क्या आपसे, हम इसी क्वेश्चन को कर दें, इसी क्वेश्चन को हम इसी तरह से कर दें। हाँ कीजिए इसी को। देखो आपको सीधा सा पता है कि 40 मिनट लगता है एक जनरेशन में, एक जनरेशन में कितना टाइम लगता है 40 मिनट, और आपसे बोल रहा है कि आपको कितना टाइम्स करना है, 64 टाइम्स। हमको एक बात बताओ 64 टाइम्स करने में या उसका भी जरूरत नहीं होगा, नंबर ऑफ जनरेशन हमें निकालना है ना एक्चुअली, कितना जनरेशन होगा तो कितना टाइम्स होगा, 2 का पावर n = 64। ये कैसे पता हमें, हमें बोल रहा है कि आपको कितना टाइम्स करना है, 64 टाइम्स। जाहिर सा बात है उसमें उतना जनरेशन हुआ होगा, तो जनरेशन का हमको नहीं पता कितना लगा होगा, तो हमको n निकालना है। जरा देखो 2 का पावर n को लिख सकते हैं, यहाँ पे 264 को क्या लिखेंगे, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, 6 लिख सकते हैं। अब बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल होगा, मतलब ये कि इससे आपको ये पता चला कि किसी बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को या किसी के पॉपुलेशन को 64 टाइम्स करने के लिए आपको 6 जनरेशन चाहिए। कितना टाइम चाहिए, 6 जनरेशन का टाइम चाहिए, चाहिए ना। हाँ तो जरा बताओ 6 जनरेशन का टाइम में कितना टाइम लगा, आपके सामने ही तो है 40 मिनट एक जनरेशन में, तो 6 जनरेशन में टाइम कितना, 240 मिनट। मिनट में चाहिए तो 240 बोलेंगे, और अगर आवर में ऑप्शन दिया है 60 से डिवाइड करके आवर में निकाल देंगे। अभी ठीक है Yes, अभी ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपको ये जो टाइम लगा है, ये वाला टाइम, ये टाइम बच जाएगा सीधा से, जितना नंबर ऑफ जनरेशन है वो आप निकाल लोगे n का वैल्यू, और नंबर ऑफ जनरेशन को एक जनरेशन के टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वाला टाइम मिल जाएगा। लिख लिया ना सब लोग, इसे थोड़ा सा थोड़ा टिपिकल हो जाता है, आई डोंट थिंक कि आपको इतना पूछेगा, वैसे है कुछ नहीं, है बड़ा सिंपल, सिंपल लॉजिक से ही बना सकते हो आप, इसी से बना सकते हो, जरूरत ही नहीं इस तरह के फॉर्मूले का, बट ये फॉर्मूला याद रहे तो अच्छा है। याद रखना कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर माइटोसिस से डिवाइड करके या बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करेगा तो ये हमेशा ही उसके लिए लगेगा, ये फॉर्मूला हमेशा ही उसके लिए लगेगा, सिर्फ बैक्टीरिया के लिए नहीं, हमेशा लगेगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन इज बाय इंडोस्पोर फॉर्मेशन, वही स्पोर का हम लोग बात कर रहे हैं। बाय स्पोर फॉर्मेशन, मैसेज आ रहा है यार, भी मेरा फोन कॉल आ रहा है, इतना कोई मैसेज करता है। चलो बाय स्पोर फॉर्मेशन, इसको एक और नाम बोलते हैं इंडो स्पोर, स्पोर को क्या बोलते हैं एक और नाम उसका, इंडो स्पोर। इंडो स्पोर क्या होता है तो लिखो, इंडो स्पोर जो उस वक्त बनाए थे उसको बस लिख रहे हैं, अभी देखो ज्यादा समझ में आएगा। इंडो स्पोर इज थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड मतलब बहुत ही मोटा लेयर होगा, एंड रेसिस्टेंट स्पोर, थिक वॉल्ड एंड रेसिस्टेंट स्पोर, ठीक है, फॉर्म्ड सिंगली बाय, सिर्फ इतना ही नाम, इज थिक इंडोस्पोर इज थिक वॉल्ड एंड रेसिस्टेंट स्पोर, ठीक है। चलो इतना लिख लो और फिर फटाफट रिज्वाइन कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्योंकि अभी का सेशन ऑलमोस्ट टाइम अप हो गया है।
लिख लिए सब लोग? सर ठीक है।